आज हम स्वादिष्ट चिली पनीर बनाएंगे। बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे पहले हम पनीर को छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक स्वाद के अनुसार हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा डालिएगा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पेपर पाउडर। पेपर पाउडर आप कम से कम आधी स्पून ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसे हल्के से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें पनीर हमारे टूटने नहीं चाहिए, थोड़े से सॉफ्ट हाथों से करें। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने में हमने पानी बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो पनीर है वो फ्रोज़न है तो उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो अपने आप वो जो है हमारा पाउडर है, कॉर्नफ्लोर पाउडर है, वो उसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पनीर को हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए पैन में हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून ऑयल। अब हम इस पर पनीर डाल देंगे। हल्का ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमें इसको फ्लिप कर देंगे। एक साइड हमारा पक गया है, अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। एक साइड हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, एकदम पनीर हमारा क्रिस्पी हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। पनीर हमारा दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, देखिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। पैन में सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 2 स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। फिर डालेंगे हम 1 स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको कम से कम हमें 2 मिनट तक सॉटे करना है। 2 मिनट सॉटे करने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 शिमला मिर्ची चौकोर कटी हुई, 1 बड़ा प्याज मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि चौकोर टुकड़ों में स्लाइस की तरह काट लिया है। मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें हम हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ज़्यादा नमक की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी शिमला मिर्च प्याज के लिए जितना नमक चाहिए उतना ही डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारे प्याज और जो शिमला मिर्ची है उसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। प्याज और शिमला मिर्ची हमारा हल्का सा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस। एक स्पून मिक्स करेंगे हम सोया सॉस। 1/2 स्पून इसमें डालेंगे हम पेपर। अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का पानी। उसके लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 1/2 कप पानी डाला है, उसे लिक्विड तैयार किया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच ही बहुत है। उसमें 1/2 कप पानी डाल दें। जैसे हल्का सा गाढ़ा होने लगे, मतलब उबाल आ जाए, हम इसमें हमारे क्रिस्पी पनीर डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। हमारे क्रिस्पी पनीर चिली तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं।